बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले हमने देखा कॉपी राइटिंग इंट्रोडक्शन में कि कॉपी राइटिंग है क्या और कॉपी राइटिंग में AIDA फार्मूला है क्या, अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एंड एक्शन। सो ये फार्मूला है क्या। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉपी राइटिंग में क्या टिप्स हैं जो हमें कॉपी राइटिंग में हेल्प कर सकती हैं। सो आइए चलते हैं, उन टिप्स को सीखते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने आप नंबर्स किए हुए हैं कि सबसे पहले स्टार्ट हेडलाइन विद नंबर्स। नंबर टू, यहाँ पे जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये टिप्स हैं, अब नेक्स्ट मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन भी करूंगा। नंबर टू इज हाउ टू यूज हाउ टू हेडलाइन, दे स्टिल वर्क। नंबर थ्री इज फ्लैग कॉमन मिस्टेक। नंबर फोर इज आस्क क्वेश्चंस। नंबर फाइव यूज पंक्चुएशन। नंबर सिक्स बी अल्ट्रा स्पेसिफिक। नंबर सेवन यूज द 5 W's। 8. Pay attention to headline length. Number 9. Use an image to enhance. So number 10. Model the best in the business. And number 11 is the practice. So ये कुछ ऐसी tips थी जिनके मैं जो numbers क्या नाम आपको बताएं। So अब मैं इनको one by one explain करता हूँ। आइए सीखते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले start headline with numbers। में मैंने कुछ चीजों के ईमेल के सब्जेक्ट्स देखे थे, उसमें मैंने देखा था टॉप 15 वेबसाइट टू फ्री इमेज फॉर योर कंटेंट मार्केटिंग, 21 एक्शनेबल एसईओ टेक्निक्स यू कैन यूज राइट नाउ। सो देखें जितनी भी हेडलाइन ये स्टार्ट हो रही हैं, सो नंबर के साथ स्टार्ट हो रही है। अगर ईमेल में ये नंबर यूज करेंगे तो ईमेल का ओपन रेट बढ़ जाएगा। अगर आप अपने कंटेंट में ये यूज कर रहे हैं किसी भी जगह पे, तो कंटेंट आपका जो सबसे पहला है अटेंशन के लिए, अटेंशन बड़ी अच्छी तरह से ग्रिप, क्यों कि ये इजीली जो नंबर्स हैं, ह्यूमन जो ब्रेन है नंबर्स को इजीली कैप्चर करता है, इजीली रिटेन करता है। सो 7 वेज टू मेक योरसेल्फ अ हैप्पियर पर्सन एवरीडे, 7 सीक्रेट्स, 7 प्रूवन, 7 रीजन, 7 टिप्स, 8 टिप्स, ये इस तरह से कुछ जो चीजें आपको भी मोस्टली जो कंटेंट रिसीव होता है, जो ईमेल रिसीव होती है, जो ब्लॉग्स रिसीव होते हैं, जो वेबसाइट्स पे जाते हैं, तो जब भी कंटेंट राइटर्स लिखते हैं तो सबसे पहले दे स्टार्ट हेडलाइन विद नंबर। या फिर ये भी वो करते हैं हाउ टू का यूज करते हैं, हाउ टू मेक दिस थिंग, हाउ टू कॉपीराइट, हाउ टू गेट फाइवर अकाउंट ऑन फ्रीलांसर फॉर फ्रीलांसिंग, हाउ टू क्रिएट फेसबुक अकाउंट, हाउ टू डू दिस एंड एवरीथिंग। सो हाउ टू जो एक टेक्निक है ईमेल की हेडलाइन को या किसी भी कंटेंट की हेडलाइन को मैग्नेटिक, आई कैचिंग और उसके ओपन रेट को और अटेंशन को बेसिकली ग्रैब करने के लिए सबसे ये जो टिप्स हैं उनमें से एक अच्छी टिप ये भी है कि हाउ टू से स्टार्ट करें। सो उसके बाद थर्ड इज फ्लैग कॉमन मिस्टेक्स। हर एक कंटेंट, अगर आपका कंटेंट इन चीजों से रिलेटेड है कि उमूमन जो लोग गलतियां करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल एड की जो कॉपी लिखी जाती है उसमें उमूमन लोग गलतियां करते हैं और कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी होती हैं, एंड कॉपी राइटिंग के कुछ मिस्टेक्स होती हैं, प्रोडक्ट सेलिंग की कुछ मिस्टेक्स होती हैं, सेल्स की होती हैं, ब्रांड्स की होती हैं, क्रिएटिव की होती हैं, मार्केटिंग की होती है, बजट की कुछ क्रिएट कॉमन मिस्टेक्स होती है। सो जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो, जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो, तो कॉमन मिस्टेक को फ्लैग करें कि यार ये कॉमन मिस्टेक अगर किसी भी रीडर को जाएगी वो, तो आपका कंटेंट जाएगा तो वो सोचेगा यार ये कॉमन मिस्टेक मैं तो नहीं कर रहा। सो दिस इज आल्सो अ गुड टेक्निक टिप फॉर द मैग्नेटिक हेडलाइन कि यूजर की अटेंशन को ग्रैब करें। या फिर उससे क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल डू यू वॉन्ट टू बिल्ड अ स्नोमैन, डू यू नो हाउ टू डू एसईओ फॉर योर बिजनेस, डू यू नो हाउ टू प्रमोट योर बिजनेस ऑन द फेसबुक, डू यू नो हाउ टू राइट अ गुड कॉपी। सो ये भी एक तरीका है आस्क क्वेश्चंस टू राइट अ मैग्नेटिक हेडलाइन। अगेन यूज पंक्चुएशन, आप पंक्चुएशन भी यूज कर सकते हैं, एंड आप जब पंक्चुएशन यूज करेंगे दिस इज आल्सो अ गुड वे कि आप अपनी हेडलाइन को अटेंशन सीकिंग हेडलाइन बना सके। उसके बाद जो सिक्स टिप है दैट इज बी अल्ट्रा स्पेसिफिक।
अल्ट्रा स्पेसिफिक होने का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली यूजर को, रीडर को बता दें कि यार ये जो आप आर्टिकल पढ़ने जा रहे हो, जो कंटेंट आप कंज्यूम करने जा रहे हो, हाँ वो वीडियो कंटेंट है, वो ऑडियो कंटेंट है, हाँ वो ब्लॉग है, पॉडकास्ट है, या कोई आप वेबसाइट पे कंटेंट लगा रहे हैं। सो बी अल्ट्रा स्पेसिफिक का मतलब यह है कि बी स्पेसिफिक, 100% स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक टू द बुल्स आई। सो भाई अगर आपको कहूं कि बैड हेडलाइन या राइट अ सॉन्ग, गुड हेडलाइन ये है कि हाउ टू राइट अ गुड सॉन्ग, हाउ टू कंपोज योर फर्स्ट सॉन्ग, सॉन्ग राइटिंग 101। इस तरह अगर आप एक अच्छे स्पेसिफिक आप हेडलाइन लिखेंगे तो ये भी यूजर की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए इट्स प्रूवन फार्मूला। अगेन अनदर टेक्निक जो आप यूज कर सकते हैं, टिप यूज हु, 5 W's, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। दीज आर एंगेजिंग इंटरोगेटिव वर्ड्स आर यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन। बाय यूजिंग देम इन योर हेडलाइन यू आर्टिकुलेट टू रीडर्स द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू इंटेंड टू प्रोवाइड। सो 5 W's का भी यूज करके हम अपनी हेडलाइंस में अपनी जो हेडलाइन है उसको मैग्नेटिक बना सकते हैं और अटेंशन अगेन ग्रैब कर सकते हैं उसकी। नेक्स्ट इज, अब हेडलाइन की लेंथ है। आपने अगर बहुत ज्यादा लिख दी, बहुत लंबी एक पूरा पैराग्राफ लिख दिया तो भी आपके लिए वो यूजर को समझ भी नहीं आएगी ना यूजर बोदर करेगा कि उसको रीड करे। सो गूगल जो है टिपिकली डिस्प्लेस द फर्स्ट 50-60 कैरेक्टर्स ऑफ टाइटल इन सर्च रिजल्ट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है, यूज इमेज टू एनहांस योर हेडलाइन। सो इमेज के लिए आपके पास कुछ unsplash.com है, stocksnap.io है, ये फ्री जो स्टॉक फोटोज इनके पास होते हैं, और pexels.com, ये सारी जो चीजें हैं ये वेबसाइट्स हैं, ये आपको फ्री इमेजेस देती हैं और यहाँ से आप इमेज उठा के आप अपने हेडलाइन में इमेज यूज कर सकते हैं। उसके बाद मॉडल द बेस्ट इन द बिजनेस। सो आप इसमें रीडर को ये बता रहे होते हैं कि आप ये गलतियां कर रहे हो, या अब करंटली मार्केट में ये बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, 12 न्यू WooCommerce plugins that could boost your online sales, 5 fundamental flaws with your brand messaging and ways to fix them। सो ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो और टिप्स हैं वो आती हैं, कॉपी राइटर्स आर नॉट बॉर्न दे प्रैक्टिस। सो डिजिटल मार्केटिंग सारी की सारी प्रैक्टिस है, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही इसको लर्न करेंगे। सो ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लर्न कर सकें। सो ये सारी जो 11 टिप्स थी जो हमने देखी, इनको आप रीड करें, इनको आप अंडरस्टैंड करें, फिर इनको इनकी एग्जांपल्स देखें, फिर खुद इस तरह की मैग्नेटिक हेडलाइंस, एक माइंड में वर्ड रख लेना है कि यू हैव टू क्रिएट मैग्नेटिक हेडलाइंस। आप हेडलाइंस लिखें, अपने कोलीग से पूछें, पीयर से पूछें, या जो भी आपसे रेलिवेंट जिन लोगों से पूछे थे उनसे पूछें, और मैग्नेटिक हेडलाइंस क्रिएट करने के आर्ट सीखें ताकि आप एक अच्छी कॉपी राइटिंग कर सकें। और उस कॉपी राइटिंग से ही बेसिकली आप, मैंने आपको स्टार्ट पहले लेक्चर में बताया था कि कॉपी राइटिंग इज बेसिकली सेल्समैनशिप इन टेक्स्ट फॉर्म। सो आपने वो सेल्समैनशिप का स्पिरिट उन टेक्स्ट में डिलीवर करना। सो प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। अगेन कॉपी राइटर्स आर नॉट बॉर्न, दे प्रैक्टिस। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वन। सो किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए, आप शायद मेरे सोशल गियर्स ऑलरेडी जानते हैं, या मुझे ईमेल कर सकते हैं, सो जहां पे मैं आपको इजीली आंसर भी कर सकता हूं। और आई वुड रिक्वेस्ट कि जितना हम सीख चुके हैं इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छी तरह से लर्न कर सकें। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.